फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में एक पनीर की ऐसी सब्जी बन रही है जिसमें ना तो आपको प्याज पीसना है ना ही टमाटर, और इसका टेस्ट इतना शानदार है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे, और ये बहुत ही झटपट बन जाती है। तो प्लीज़ चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप इसे देखिए। सबसे पहले हम गैस पर कुकर बिठा देंगे। अब हम इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, एक लाल मिर्च सूखी, थोड़ी सी जीरा और दो तेज पत्ता। इसे गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें दो प्याज डाल देंगे। इसे अब चलाएंगे। इसे हम ढक ढक कर पकाएंगे। इससे क्या होगा, प्याज मेरे अच्छे से गल जाएंगे। प्याज मेरे ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए। और अब मैं दो टमाटर, मैंने दो प्याज लिया था, दो टमाटर, इसको अब डाल दूंगी। कुकर में फ्रेंड्स सब्जी बहुत जल्दी बन जाएगी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और ये टेस्टी भी बहुत बनती है। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसे मिला देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डाल दूंगी और इसे हम भूनेंगे धीमी आंच पर। मैं इसमें थोड़ा जीरा पाउडर डालना भूल गई थी फ्रेंड्स, तो जीरा पाउडर थोड़ा डाल देंगे और गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। और देखिए ये कितनी लटपट सी हो गई है, मसाला लगभग भून चुका है। थोड़ी देर और भूनेंगे फिर हम इसमें पानी डालेंगे। मसाला थोड़े अच्छे से भून जाए इसके लिए मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं जरा सा शुगर डालूंगी, मीठा नहीं होना चाहिए, बस टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। अगर आपके पास थोड़ी सी ताजी मलाई है तो उसे डाल दें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये झटपट कुकर में बनने वाली सब्जी है और हमें घंटों कढ़ाई में पकाना नहीं पड़ेगा और ये तुरंत पक जाएगी। मसाला मेरी बहुत अच्छे से भुन गई है तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, ये गर्म पानी है। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और दो विसल आने तक इसे पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर, और तब तक मैं पनीर को सेक लेती हूँ। कुकर को मैं दूसरे साइड कर लेती हूँ, अब इधर मैं कढ़ाई बिठा देती हूँ। मैं इसमें थोड़ा तेल और बटर मिलाऊंगी। इससे क्या होगा, बटर जलेंगे। और अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी।
सीटी ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालूंगी और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसे मिक्स कर देंगे। गैस में बंद कर दे रही हूँ कुकर का, वो हो गया है। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, अब इसे अच्छे से भून लेंगे। पनीर मेरी भून गई है, बहुत ज्यादा नहीं भूनेगी नहीं तो ये सख्त हो जाएगा। और अब हम गैस बंद कर देते हैं। कुकर मेरी ठंडी हो गई है तो अब मैं उसको चेक कर लेती हूँ मसाले को। और ये देखिए मसाला कितने अच्छे से पक गया है और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। तो अब इस मसाले को मैं इस कढ़ाई में ही डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी डिलीशियस लग रही है और ग्रेवी भी कितनी अच्छा कलर आया है और थिक भी है। अगर आपको थोड़ा पतला करना हो तो कर सकते हैं। वैसे कुकर का पानी मैं थोड़ा डाल दूंगी क्योंकि मसाले इसमें बहुत लगे हुए हैं ना, और मुझे इसको 1 मिनट तक उबालना है ताकि पनीर के अंदर भी मसाले मतलब चले जाएं तो उससे टेस्ट और अच्छा आएगा। सब्जी को उबलते हुए करीब 1 मिनट हो गया है और अब मैं इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डाल दूंगी, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना डिलीशियस लग रहा है। और कुकर में हमने मसाला को भुना है, इसमें ना मसाले को मैंने कोई ना प्याज पीसा है ना टमाटर, और ये ऐसे ही इतनी लटपट सब्जी हो गई है। तो आप इस तरीके को कभी अपनाएं फ्रेंड्स तो आपको भी अच्छा लगेगा इस तरह का सब्जी बनाने में। और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसे पूड़ी पराठा नान किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही डिलीशियस लगती है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।